दुनिया में कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको कार या बाइक लेनी होती है तो आपको डीलर के थ्रू लेनी पड़ती है, जिससे डीलर भी उससे मुनाफा कमाता है और करीबन 25-35% उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है जो आप पे करते हो। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही कार और बाइक्स खरीद सकते हो, जिससे आपको वो काफी सस्ते दामों पे मिल जाती है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 70। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। वॉर के अंदर सिर्फ इंसानों की ही जान नहीं जाती बल्कि कई बेगुनाह जानवरों की जान चली जाती है। जो हुआ था सिरमन वॉर के दौरान, जो 1856 में खत्म हुई थी, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद में खत्म हो गई थी एक कछुओं की प्रजाति और बची थी सिर्फ एक मादा कछुआ जिसका नाम रखा गया था टिम्थी, जो 160 साल की उम्र में 2004 में मर गई थी। जरा से कछुए कितनी दूर तक भागते उन गिरते बमों से, जिसकी वजह से एक पूरी प्रजाति कछुओं की समाप्त हो गई इस दुनिया से। आर्मी एंट एक दूसरे को फॉलो करती है अपने छोड़े गए केमिकल ट्रेल से। कई बार इतना ज़्यादा केमिकल हो जाता है कि वो एक ही जगह घूमने लगती है, और इसमें जब और भी कॉलोनी के मेंबर ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी पूरी कॉलोनी मर जाती है, और इसको बोला जाता है डेथ स्पायरल और इसी के साथ साथ एंट मिलिंग। 2013 में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक चूहे के ऊपर, जिसमें उसके ब्रेन के अंदर उन्होंने इंसानी ब्रेन सेल्स डाल दिए थे, जिसकी वजह से उसकी जो मेमोरी थी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और इसी के साथ साथ जो लर्निंग एबिलिटी थी वो भी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और इस एक्सपेरिमेंट से उस चूहे ने काफ़ी कुछ नई जो पजल्स थी वो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दी, जो और दूसरे चूहे नहीं कर पाए थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के ग्रेवयार्ड साइट पर एक फ्लेम जलाई गई है, एक ज्योति जलाई गई है बेसिकली, जो 1963 से लेकर अब तक जल रही है, जिसमें से वो सिर्फ अभी तक दो बार ही बुझी है, जिसमें लास्ट टाइम बुझी थी वो एक बच्चे ने गलती से बुझा दी थी जब उसने उस पर पानी डाल दिया था, और लकीली एक वर्कर वहीं पर मौजूद था जो सिगरेट विगरेट पीता था, जिसकी वजह से उसने लाइटर जला के वो दोबारा से जला दी। दुनिया में मकड़ियों की कई ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अपने आप को चींटी के रूप में बदल देती हैं, क्योंकि वो अपनी आगे की टांगों को चींटियों के एंटीना की तरह बना देती हैं, और चींटियां धोखे में पड़ जाती हैं जिसकी वजह से वो शिकार बन जाती है। करीबन 300 ऐसी प्रजातियां हैं मकड़ियों की जो ऐसा रूप ले लेती हैं, और इसको साइंटिस्ट बोलते हैं मम कमोफी। आपने 2018 में एक खबर तो सुनी होगी कि एप्पल अपने अपडेट्स के थ्रू पुराने फोन स्लो कर देता है अपने, ताकि लोग नए फोन खरीदने शुरू कर दे उनके और उससे उनको रिप्लेस कर दे। अब इसी के चलते फ्रेंच अथॉरिटीज ने पूरी एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है देखने के लिए कि कहीं वो असलियत में तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि प्लैंड ऑब्सोलेशन एक्चुअली में क्राइम है फ्रांस के अंदर, कि आप पहले से प्री प्लैंड कर रहे हो कि मैं इसको स्लो कर दूंगा ताकि मेरा और भी ज्यादा मुनाफा हो नए फोन बिकने से। तो इसके ऊपर एप्पल ने बोला कि जो पुराने फोन होते हैं इनकी बैटरी हाई स्पीड ऑपरेशन को इनफ पावर नहीं दे पाती, इसी वजह से ऐसी अपडेट्स दी जाती है ताकि उनके फोन की लाइफ और भी ज्यादा बढ़ सके, और हम स्मूथ अपडेट्स भी देते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। जर्मनी की म्यूनिक यूनिवर्सिटी के अंदर एक दो बहुत ही बड़े स्लाइडर लगा रखे हैं जो तीसरी मंजिल से सीधा ग्राउंड फ्लोर तक आते हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे वहाँ पे इंजॉय भी कर सकें। इंग्लैंड के पेनाइन हिल पर एक म्यूजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको बोला जाता है द सिंगिंग रिंगिंग ट्री, जिसमें जब हवा निकलती है तो वहाँ पर एक अजीब सा साउंड निकलता है। मुझे तो हॉरर सा लगा, आप बताओ कैसा लगा आपको। एंकर का ये जो टैटू बनवाया जाता था पहले के वक्त में, ये वही सेलर बनाया करते थे जिनको दिखाना होता था कि हमने अटलांटिक सागर भी पार कर रखा है, ये उसी की निशानी होती थी, या फिर आप मर्चेंट मरीन के अंदर हो तभी आपको ऐसा टैटू बनवाना होता था। नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो लॉन्ड्री वगैरह तो करते नहीं है स्पेस स्टेशन के अंदर, जिसकी वजह से जब उनके कपड़े थोड़े पुराने से हो जाते हैं तो वो उनको स्पेस में ही निकाल कर फेंक देते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती, जिससे जब वो अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है कपड़ा वो जलकर खाक हो जाता है। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।